नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छा कर रहे हो। तो यार, मैं आप लोग के लिए एक स्ट्रेटजी काइंड ऑफ कह सकते हो, स्ट्रेटजी नहीं है, एक एंट्री सेटअप है आप लोग के लिए किसी भी तरह के मार्केट में एंटर करने के लिए। आप लोग को भी पता है मार्केट 3 टाइप के होते हैं, लाइक साइडवेज मार्केट, जिसमें मार्केट एक रेंज में फंसा होता है, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। तीन ही तरह के मार्केट होते हैं, इनसे अलग कुछ नहीं होता है। आपको बस ये डिफाइन करना है कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। इसका एक सिंपल तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप इसमें बॉलिंजर बैंड लगा के पता कर सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, और जो लोग मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं उनके लिए ये पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, फिर ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही लंबा जो है अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। मार्केट में काम करने के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना होगा। रिस्क रिवॉर्ड इन द सेंस कि आप मार्केट को जब लॉस कर रहे हैं तो कितना लॉस कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में जब आप प्रॉफिट ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं। अगर आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, 1,000 रुपये किसी ट्रेड में लॉस कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में 800 रुपये या 700 रुपये का प्रॉफिट लेके अपनी ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, आपको ट्रेडिंग छोड़नी होगी। मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको बड़े बड़े टारगेट लेने होंगे, स्टॉप लॉस लगाना होगा हर ट्रेड में। अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता दिख रहा है आपको, उसे जल्दी कट करना होगा और प्रॉफिट में होल्ड करना होगा। तो चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको जिस चीज़ के लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि एक एंट्री लेवल सेटअप है, इसमें बस आपको पता करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, चाहे वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपको अप जाता हुआ दिखेगा, यहाँ थोड़ी देर के लिए डाउन जाता दिखेगा, ये न्यूज़ की वजह से होता है। न्यूज़ में आपको ये मार्केट अवॉइड करना होगा। ये किसी भी तरह के मार्केट में काम करेगा, अपने बैंक निफ्टी में भी करेगा, निफ्टी में भी करेगा। तो ये जो सेटअप है किस तरह से है, जैसे आपको ये क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक लंबा सा डाउन ट्रेंड यहाँ चला आ रहा है, ये एक अप ट्रेंड है। सेटअप मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से काम करेगा। आपको मार्केट में ट्रेंड पता करने के बाद, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, उसके लिए आप ये EMA का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे EMA लगा लेता हूँ, ये एक मल्टी EMA है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पर इन्होंने लिमिट कर दिया है कि आप फ्री में 2 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते। तो अब मैं यहाँ सेटिंग्स में जाके इनपुट में ये मैंने लगाए हुए हैं, आप 20 EMA का यूज़ कर सकते हैं। 20 EMA आपको बता देगा कि ट्रेंड अप है या डाउन है। 20 EMA के ऊपर मार्केट अप रहता है और 20 EMA के नीचे मार्केट डाउन रहता है। जैसे यहाँ आपको क्लियरली शो हो रहा है मार्केट अप है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर जब मार्केट इसके ऊपर रहेगा, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, तो आपको एक रेड और ग्रीन कैंडल्स का पेयर ढूंढना होगा। पेयर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कैंडल्स छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है, ये इस तरह की कैंडल्स होनी चाहिए। इस तरह की कैंडल्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमें SL बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है। जैसे ये देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है। आपको क्या करना है, एक रेड और ग्रीन का पेयर ढूंढना है और इनका जो ब्रेकआउट है उसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। डाउन साइड में अगर ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ अप साइड के ही ट्रेड फाइंड करने हैं। अब जैसे ये आपको यहाँ ट्रेड मिला है, देख लीजिए, ये इसके लो का, ये जो पेयर है इसके लो का SL होगा, इसके यहाँ पे 1:2.8 का टारगेट आपको मिला है। मिनिमम 1:2 तो आपको लेना ही लेना है। जब भी आप ट्रेड करेंगे ये आप गांठ बांध लीजिए, 1:2 के साथ ही आपको काम करना होगा। अगला ट्रेड हमें यहाँ मिला है यहाँ पे, अब आप इसमें जितना भी आप ले सकते थे, 1:4 तक, 3.9 तक गया है। ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ में और आपको बहुत फायदा देने वाला है। अगर आपसे ट्रेड मिस हो जाता है, जैसे ये वाला मिस हो गया, तो
अगला आपको थोड़े ही देर में मिल जाएगा। ये नहीं है कि आपसे एक बार मिस हो गया तो ये आपको मिलेगा नहीं। ये देखिए, यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला। तो इस तरह के आपको मिलते जाएंगे यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये यहाँ मिला है हमें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड ढूंढना था, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद एक और हमें मिला ये वाला, देखिए यहाँ पे, इसमें आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है इसके ब्रेकआउट पे। और ये देखिए टारगेट 1:2.12, बहुत ही आसान है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये बस एंट्री के लिए है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनाना आना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपको ये टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलेगी। जैसे कोई बड़ा ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंडिंग है और बीच में आपसे मिस हो गया है, तो आप इससे एक एंट्री सेटअप काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और ये किसी भी मार्केट में काम करेगा, आप इसे बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में, आज आज का ही देख लीजिए, यहाँ पे हमें एंट्री मिली है। और देखिए यहाँ तक आप इसे ट्रेड कर सकते थे। ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड देखिए आप एक बार, 1:3.97 बैंक निफ्टी में। और अगर आप यहाँ क्लोज करेंगे, मार्केट 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, तो आप यहाँ पे आके निकलेंगे। तो ये एक अच्छा सेटअप है, आप इस पे काम कीजिए। और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी नया जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए और बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।